आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिफ्थ लेक्चर में। और बच्चों, जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो फटाफट से जाके लास्ट लेक्चर देख ले, क्योंकि अब आगे तभी क्लियर हो पाएगी चीजें जब आप पिछला लेक्चर देखे होंगे। आइए फटाफट से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मोशनल ईएमएफ। गतिक, वैद्युत, वाहक बल, मोशनल ईएमएफ क्या होता है। इसका मतलब कि अब तक आपने ये देखा था कि ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा जब किसी बद्ध कुंडली में हम होंगे, और यही हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल भी जाना। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं किसी चालक छड़ के बारे में बात करूं तो चालक छड़ का कुछ ना कुछ क्या है, पर्टिकुलर अपनी कुछ लेंथ होगी, और उस चालक के अंदर कौन है, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति भी संभव है। तो जब कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके अंदर निहित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उन पर बल लगता है, और उन पर लगने वाले बल के कारण उनकी मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर गति में आ चुके हैं तो इसका मतलब तय है कि धारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए चेक करते हैं मोशनल ईएमएफ। तो ईएमएफ हम लोग यहाँ पर मोशनल टाइप में चेक करने जा रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पर मेरे पास एक चालक है जिसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू, एक चालक हो गया। और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र हम डिसाइड कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिखाने का तरीका है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तल के अंदर की ओर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक चालक है जो कि कुछ इस तरीके से पूर्व मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से मतलब यूनिफॉर्मली वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा कि ये जो मेटल है मतलब छड़ है इस, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब कि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं, और बद्ध रूप में क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां से चीजें छोड़ जाते हैं उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जितने भी बद्ध आवेश धन आवेश होंगे उनकी गति होती है धीमी, इलेक्ट्रॉन जब उनको छोड़ देते हैं तो उनकी गति धीमी होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट भी होते हैं, तो इसलिए जो जल्दी अलग होने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके का बिहेवियर देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, अंदर की ओर है, और ये वाला जो चालक है जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा ही, तो ये इधर की ओर मतलब पूर्व दिशा की ओर मूव कर रहा है। अब इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स और धन आवेश है उनका क्या, आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपके धन आवेश के चलने की दिशा इधर है, धन आवेश के चलने की दिशा जो कि बेसिकली आपके करंट की डायरेक्शन भी होती थी, तो इधर चलने की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है। अगर ये चलने की दिशा है क्योंकि सब लोग इधर ही अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ कंबाइनली, तो ये जो लगने वाला बल है धन आवेशों पर वो कहां होगा, तो नो डाउट वो आपको समझ में आने लगा होगा कि ये कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये लीजिए, ये धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये सिर्फ धन आवेशों के बारे में बातें हुई है। अभी ये चालक गति कर रहा है पूर्व की ओर, जब धन आवेश ऊपर की ओर जा रहा है मतलब कि इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एट द सेम टाइम इनके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर अलग होता है, तो इनके ऑपोजिट मतलब ये नीचे की ओर एक बल अनुभव करेंगे और ये देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं। अब आपके जहन में एक बात और आनी चाहिए, ये कि पॉजिटिव वाले एक साइड फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेगेटिव वाले एक साइड फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव पी की ओर इकट्ठा हो गए, नेगेटिव जो है वो क्यू की ओर इकट्ठा हो गए, तो इस तरीके से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीच में कम पड़ जाएंगे और आसानी से आयंस को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग कर लेंगे, तो इसका जवाब है नहीं।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो नीचे की ओर जा रहे हैं वो जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स से, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है तो मैग्नेटिक फोर्स सेम ही लगेगा, क्योंकि ये स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज सेम है, तो दोनों पर मैग्नेटिक फोर्स सेम लगेगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब ये एक दूसरे से अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से गए तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा, और वो अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, जो नहीं चाहता कि पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरीके से अलग हो जाए। तो जब ये लोग अलग हो रहे होंगे एट द सेम टाइम ये दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा जो इसको दूर जाने से रोकेगा। मतलब ये स्थानांतर तब तक होता रहेगा जब तक कि वैद्युत बल चुंबकीय बल की बराबरी मतलब इक्वेलेंसी न कर ले, और ये चीजें बैलेंस करने के लिए ऊपर और नीचे सेपरेट अभी तक होती रहेगी। जब इकट्ठा हो जाएगा ऊपर नेगेटिव नीचे, तो इस केसेस में ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब धन विभव और नीचे नेगेटिव पोटेंशियल मतलब ऋण विभव आ जाएगा। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर धन आवेश की अधिकता और नीचे ऋण आवेश की अधिकता आकर स्टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत वाहक बल। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं एक्सप्रेशन वाइज कैसा होगा। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चालक PQ क्षेत्र की लंबवत B वेग से गति करता तब चालक में उपस्थित धनावेश तथा ऋण आवेश पर चुंबकीय बल कार्य करता है जिससे धनावेश सिरे पी की ओर तथा ऋणावेश क्यों सिरे की ओर सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। बात क्लियर, ये इस तरीके से जाने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो बल अनुभव कर रहे कब तक करेंगे, जब तक कि इनके ऊपर बाहर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अंदर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बराबरी ना करने लगे, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स की बराबरी ना करने लगे। ओके, आवेशों पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू ई वी बी साइन 90। ये 90 कहां से आ रहा है, ये एक्चुअली फॉर्मूला कहां से आ रहा है, जो लोग को ये याद नहीं है मैं याद दिला दूं,
ये फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक, ये आवेशों पर लगने वाले बल का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में जान चुके हैं, आई एल बी साइन थीटा और क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर इस पर लगेगा तो F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा की जगह पर 90, क्योंकि मोशन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इन साइड। तो यहां से आपने इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा ई वी बी, ठीक, समीकरण नंबर एक लिखिए, ठीक। ये कब तक एक्टिव होगा, जब तक कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस ना कर ले, मतलब वैद्युत बल इसको बैलेंस ना कर ले, तथा चालक में धन आवेश तथा ऋण आवेश के मध्य वैद्युत बल इनके चुंबकीय बलों के विपरीत आकर्षण बल के रूप में काम करेगा, विपरीत कॉमा आकर्षण बल के रूप में कार्य करेगा, ठीक, कार्य करेगा। कितना लगेगा, F इज इक्वल टू ई इंटू ई, इक्वेशन नंबर टू। जब ये प्लस इकट्ठा ऊपर हो रहे हैं, नेगेटिव नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी ऊपर से नीचे की ओर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब यहां पर एक और फोर्स जनरेट हो गया और इसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इसके मध्य लगने वाले चुंबकीय बल। अब ये चुंबकीय बल को बैलेंस करेगा ताकि जो सारे आवेश है सब एक जगह ना चले जाए, एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करेगा। आवेश एक एक सिरे पर नहीं पहुंचेंगे, अब ये एक टाइम पर आकर के संतुलित हो जाएंगे, ठीक। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसको संतुलित कर लेगा, ये संतुलित कर लेगा क्यू वी बी को, ठीक है, क्यू वी बी को। ये क्यू कोई और नहीं आवेश है जो अभी हमने लिखा था क्यू इंटू ई या ई इंटू ई, हमने यहां पर इसको ई लिखा था, इसको आप अथवा करके ई कैपिटल ई इज इक्वल टू ई स्मॉल वी बी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो ये चार्ज ही है, आवेश है, एक एक इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात होगी, तो आप स्मॉल ई लिख सकते हैं, ओके। अथवा अब ई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा क्या, ई इज इक्वल टू स्मॉल वी बी, और ये कोई और नहीं वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, याद रखिएगा, जहां ई वैद्युत क्षेत्र है, किसमें, चालक में। तो चालक में अगर वैद्युत क्षेत्र आया है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अब विभवांतर भी स्थापित होना चाहिए, ठीक। तो चालक के लंबाई L होने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कोई और नहीं एक्चुअली विभवांतर ही होता है। बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक फॉर्मूला देखा था सेकेंड चैप्टर में, वो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू वी बाई एल, याद आया, E इज इक्वल टू, जहां पे ये विभवांतर हुआ करता था, विभवांतर स्थापित तब हुआ करता था जब हम धारा भेजते थे। यहां पर आपको कुछ भेजना नहीं है, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो विभवांतर आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, इस बार वी हो जाएगा,
वी क्या होगा, आइए चेक करते हैं क्या होगा। तो डैश दे दीजिए फिलहाल के लिए और यहां पे आ जाइए कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है वी बाई एल, और एल कुछ और नहीं क्या है, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए इसको। तो एल आपकी इस कंडक्टर की लंबाई होगी, चालक की लंबाई होगी। तो यहां पे इस इक्वेशन नंबर 3, यहां पे हो गया इक्वेशन नंबर 4, दोनों को कर देंगे हम इक्विवेलेंट। आइए इक्विवेलेंट कर देते हैं, इक्विवेलेंट कहां कर दें, यहीं पे कर दिया जाए इक्विवेलेंसी। तो चेक करते हैं कि अगर दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, मतलब यहां पर ई की जरूरत है ये वाले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा वी बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी, और ये भी वेलोसिटी है जिससे मूव कर रही है, और ये विभवांतर जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा बी वी इंटू एल। ये हो गया आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को बी वी एल। तो यहां पर आपका एक और एक्सप्रेशन जो है वो दिखारे जा सकता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही चीज है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। एक छोटी बात हम और समझेंगे, तो इस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर हो तो यहां पर ईएमएफ का जो बेसिक डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो प्लस वाले इकट्ठे हो गए ऊपर, तो ये सेल की तरह बिहेव करेगा जो कि करंट भेजने के लिए सक्षम है। तो सारे प्लस ऊपर इकट्ठा हो गए तो इधर एक पॉजिटिव प्लेट दिखा सकते हैं आप, और प्रभावी रूप से नीचे नेगेटिव वाले इकट्ठे हो गए तो इसमें नेगेटिव प्लेट। तो जब ये मूव करेगा कोई कंडक्टर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर, तो इस तरीके से इसका जो बेसिक सा इफेक्टिव सेल अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कब, जब इसका मूवमेंट इस साइड में होगा, अगर ये मूवमेंट उधर लेफ्ट में है तो, अगर राइट में मूवमेंट होगा तो ऐसे केस में ये वाला जो पोजीशन है वो बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम किसी लूप से जोड़ दें तब जो धारा की दिशा होगी वो इधर से भेजी जाएगी, ऐसे मूव करेगा। कब, जब ये कंडक्टर लेफ्ट में मूव करेगा किसी वेलोसिटी बी से। यही सेम चीजें अगर हम इसका मोशन रहने दें, मैग्नेटिक फील्ड बदल दें, डॉट कर दें, मतलब बाहर की ओर कर दें, तो भी ये सेम कहानी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि आप ये प्लस ऊपर नहीं माइनस नीचे नहीं मिलेगा, उस समय ये इंटरचेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां से ये तो बातें हो गई प्रेरित विद्युत वाहक बल की, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया E इज इक्वल टू बी वी एल। अब इसमें एक छोटी बात और देखेंगे कि अगर मुझे प्रेरित धारा का मान निकालना होगा तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर को एक लूप से जोड़ देंगे, ये लूप से जोड़ दिया और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको तो पता है कि ऊपर प्लस वाले इकट्ठे हो गए हैं, नीचे माइनस वाले इकट्ठे हो गए हैं, और यहां पर एक अरेंजमेंट प्रोड्यूस हो गया है सेल का, मतलब कि यहां पर ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब ये पी क्यू इस कंडक्टर का नाम है और इसका मोशन है लेफ्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, ठीक, ये अंदर की ओर है। तो जब ये इधर की ओर मूव करेगा इस तरीके से, तो यहां पर इसमें ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव भी ऊपर और नीचे नेगेटिव, तो धारा की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। कब, जब ये लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि यदि चालक किसी आर प्रतिरोध के लूप से संबद्ध हो, लूप से संबद्ध हो, तब धारा, ठीक, तब धारा क्या होगी जिसको हम प्रेरित धारा कह सकते हैं, तो प्रेरित धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे में R। तो E की वैल्यू अभी भी आप निकाले थे, तो E की वैल्यू क्या निकाले थे, E की वैल्यू आप निकाले थे B B L, और नीचे क्या हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा की दिशा आप देख ही पा रहे हैं
इस तरीके से क्लॉकवाइज होगी। बात समझ आ गई? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सारे डायरेक्शंस जो हैं वो हम ईएमएफ के बेसिस पर निकाल लेंगे। तो आज बच्चों हम लोगों ने बेड़ धारा की दिशा निकाल ली। इसमें अगर हमारे पास कोई लूप मूव कर रहा हो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अगर कोई चालक छड़ घूर्णन गति कर रहा हो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में।